स्वागत है आपका लैंडमार्क होम्स पे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लैंडमार्क होम्स के इस वीडियो पे। तो आज हम पहुंच गए हैं पोरवाल रोड पे धानोरी और देखने वाले हैं ऐसा एक प्रोजेक्ट जिसमें मिलने वाला है आपको 2 BHK बड़े साइज कारपेट में और थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में रहेगा ये। प्राइसिंग के लिए, फ्लोर प्लान के लिए और लोकेशन के लिए आप जुड़े रहिए इस वीडियो में। आगे जाके मैं आपको सारे चीज़ें डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो ये है 2 BHK ग्रैंड और इसमें मिलने वाले हैं आपको 2 बालकनी और कारपेट साइज देखें तो ये 855 कारपेट है। जिन लोगों का भी रिक्वायरमेंट है बड़े साइज का कारपेट और वो भी एकदम सेंट्रल लोकेशन पोरवाल रोड पे, एकदम रोड टच प्रोजेक्ट के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। पूरी तरह से आखिर तक ये वीडियो देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आगे जाके देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चल के देखते हैं बिल्डिंग का एलिवेशन एक्चुअली ये बनने के बाद किस तरह से दिखने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं इसके कुछ फ्रंट व्यूज, कुछ टॉप व्यूज और कुछ साइड व्यूज। और एमिनिटीज की तरफ अगर हम जाएं तो एमिनिटीज में ऑलमोस्ट सारे एमिनिटीज आपको मिल जाएंगे इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। एमिनिटीज को अगर ब्रॉडली देखें तो ये सारे एमिनिटीज अभी आपको मिलने वाले हैं। चलिए चल के देखते हैं इसके सैंपल फ्लैट को। सैंपल फ्लैट का जो साइज है ये 756 अप्रॉक्स है, लेकिन इसमें जो कारपेट साइज मिलने वाला है वो इससे भी बड़े कारपेट है, जैसे कि 855, 872, 874 के कारपेट्स। तो चलिए चल के देख लेते हैं इसके 2 BHK का सैंपल फ्लैट। तो एंट्री पे मिल जाता है आपको वीडियो डोमोफोन। तो ये है इसका लिविंग स्पेस, काफ़ी स्पेसियस है ये लिविंग स्पेस, और लिविंग स्पेस के साथ आपको अटैच मिल जाता है बालकनी। तो लिविंग स्पेस से जैसे ही आप आगे आते हो आपको यहाँ पे एक अरेंजमेंट मिल जाता है डाइनिंग टेबल का। अभी यहाँ पे ये 4 सीटर का डाइनिंग टेबल बैठा है, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे डाइनिंग टेबल के लिए भी आपको मिल जाता है। और यह है आपका किचन का स्पेस, यहाँ पे आपको ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा किचन का, और यह है आपका ड्राई बालकनी। तो आगे चलते हैं देखते हैं इसके बेडरूम्स को। यह है पहला बेडरूम, आप इसको बोल सकते हैं चिल्ड्रंस बेडरूम या तो फिर आप बोल सकते हैं इसको गेस्ट बेडरूम भी। काफ़ी स्पेसियस दिया हुआ है ये गेस्ट बेडरूम। और आपको जो ये टाइल्स है देखिए, ये वुडन टाइल्स है और आपको ये वुडन टाइल्स ऐसे ही एज इट इज मिलने वाला है। तो बेडरूम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। आप वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक वॉश मशीन का आपको एक अरेंजमेंट मिल जाता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम। देखिए यह है इसका मास्टर बेडरूम, साइज देखेंगे तो काफ़ी बड़ा साइज है ये मास्टर बेडरूम, और इसके साथ आपको अटैच मिलने वाला है एक बालकनी। और ये जो बालकनी है ना, ये कोई स्टैंडिंग बालकनी नहीं है, ये काफ़ी बड़ा बालकनी है। ये अभी सैंपल फ्लैट में ऐसे कवर्ड है, बट ये कवर ऐसे नहीं रहेगा बालकनी का, आपको यहाँ पे 4 फीट का हाइट का आपको रेलिंग्स आ जाएंगे। तो मास्टर बेडरूम के साथ है आपको अटैच वॉशरूम। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में 3 बिल्डिंग थे, A, B एंड C। ए और बी कंप्लीटली सोल्ड आउट है। अभी हम जो बात कर रहे हैं हम सी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो डेवलपर ने सी बिल्डिंग को थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में बनाया है, जहाँ पे कि आपको बड़े कारपेट्स मिले। तो जिनको भी और जो भी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में, तो हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या तो फिर डिस्क्रिप्शन पे जाके आप हमें लिंक पे ब्रोशर और कॉस्ट का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके जितना उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।